राजस्थान में इन दिनों राजनीति की गर्माहट पूरे देश में फैली हुई है। ऐसा होना लाजमी है, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस से लेकर बीजेपी के राजनीतिक ड्रामों की चर्चा पूरे देश में है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का राजस्थान में मिशन 25 पूरा नहीं होने के बाद पार्टी द्वारा लगातार जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से जवाब मांग सकती है। सूचना है कि लापरवाही तय होने के बाद उन पर पार्टी की ओर से कार्रवाई करते हुए उनको इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। पिछले दिनों राजस्थान में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना ने भी दौसा सीट हारने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही थी। पीएम ने मीना को 7 लोकसभा सीट भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, अलवर, जयपुर ग्रामीण, टोंक सवाई माधोपुर और कोटा की लिस्ट सौंपी थी, जिसको लेकर मीना ने कहा था कि यदि इन 7 सीटों में से 1 सीट भी हारता हूं तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे में दौसा सीट से बीजेपी के कन्हैयालाल मीणा चुनाव हारे थे, जिसके बाद किरोड़ीलाल ने सोशल मीडिया के जरिए इस्तीफा देने की बात कही थी। 4 जून को किरोड़ी ने एक्स पर रामचरितमानस की चौपाई पोस्ट करते हुए लिखा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। ऐसे में प्रदेश में सीपी जोशी और सीएम भजनलाल शर्मा से भी पार्टी जवाबी कार्रवाई कर सकती है। पिछले दिनों द नगरी मीडिया से विशेष बातचीत में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह ने भी कहा था कि पार्टी हार के कारणों पर मंथन कर रही है और जल्द ही जिम्मेदार नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। सीएम भजनलाल के सवाल पर झाबर सिंह ने कहा था कि जिम्मेदार कोई भी हो, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पर भी कार्रवाई होगी। जिस जिस की वजह से ये परिस्थितियां बनी, उनका जब दायित्व निर्धारण हो जाएगा उसके बाद ये सारी बातें तय हो पाएंगी। किसकी वजह से क्या हुआ, टिकट वितरण में किसने की गलती की वजह से गलत टिकट वितरण हुआ, 400 पार के नारे में संविधान संशोधन की बात कहाँ से उभर के आई, इन सारी बातों के बाद जिस किसी से कोई गलती हुई है तो निश्चित रूप से उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और भविष्य में चेतावनी भी दी जा सकती है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। लगता है कि अगर सीएम भजनलाल शर्मा और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी गलती कहीं ना कहीं निकल के सामने आती है तो उनको भी पद से हटाया जा सकता है? कोई भी हो, जिस किसी की भी गलती निकलेगी उसके खिलाफ निश्चित रूप से पार्टी कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी। ऐसे में अब प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में प्रदेश अध्यक्ष जोशी के इस्तीफे की चर्चाएं हाँ में। लोगों का मानना है कि पार्टी के आलाकमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से भी इस्तीफे की मांग कर सकते हैं। वहीं पर अब सीएम भजनलाल के पद छोड़ने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। आमजन का मानना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जातिगत मतदाताओं को साधने के लिए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा अपने ही गृह जिले में सीट नहीं निकाल पाए। भरतपुर में कांग्रेस की सबसे कम उम्र की संजना जाटव ने बीजेपी के रामस्वरूप कोहली को भारी मतों से हराया था। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीना के इस्तीफे की बात पर राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल पार्टी के बड़े नेता हैं, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठकर बातचीत कर ली जाएगी। परिणाम के बाद में किरोड़ीलाल मीना जी ने कहा है कि क्योंकि पहले भी कह चुके थे प्रचार के बाद, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि प्राण जाए पर वचन नहीं जा रहे, ऑफिस में नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे, क्या मतलब जिम्मेदारी के लिए आप क्यों उनके पीछे पड़े? वही मोदी जी पीछे पड़े, हम थोड़ा पीछे पड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, किरोड़ीलाल जी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, एक जिम्मेदार व्यक्ति है, बैठ के बातचीत करेंगे उस विषय। वहीं पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ने किरोड़ी मीणा के इस्तीफे को लेकर तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि बाबा ने कहा, रघुकुल रीत है मानी, टूटे वचन पर कुर्सी बचाने की ठानी। ऐसे में यहाँ पर अब ये देखने वाली बात है कि बीजेपी पार्टी के दिग्गज और जिम्मेदार नेताओं पर पार्टी क्या एक्शन लेती है। क्या पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम भजनलाल शर्मा पर कार्रवाई करेगी या फिर एक बार फिर ये कार्रवाई की बात ठंडे बस्ते में जाएगी। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।